हेलो, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एट। तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस जेड की पावर फोर। अगर हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से अगर हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहा है और आपको एक या दो मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसके अंदर लगानी पड़ेंगी। तो अभी लेकिन हम लोग जब स्टूडेंट हैं 8th 9th 10th के, तो अब क्वेश्चन हम लोग को पेपर में आ रहा है तो हम लोग उसको, अभी हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी है तो आइडेंटिटी से ही हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आइडेंटिटी से अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर हम लोग आइडेंटिटी से चलेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और हो सकता है कि आप लोग आधा एक पन्ना सॉल्व करने के बाद फिर इसको सॉल्व करना बंद कर दें। ठीक है, और होता भी यही है कि जनरली आप लोग इसको सॉल्व करते चले जाते हैं और फिर नहीं सॉल्व करने का मन करता है तो फिर नहीं हो पा रहा है और छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर जेड की पावर फोर इज इक्वल टू 18 आ रही है, अगर हम लोग इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करते चले जाएँ सिंपल। ठीक है, अब हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से अगर हम देखते हैं तो इसको कैसे करना होगा शॉर्ट ट्रिक से, तो हमारे पास टाइम एक या दो मिनट के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ को ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर हो, ठीक है, और उनका एडिशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये अगर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है सिक्स। तो यानी कि कोई वैल्यू हम ऐसा रख के देखें इसके अंदर, अगर हम इसको वन रख के देखें, वन का स्क्वायर प्लस, फिर ये इसको भी हम वन रख दें, वन का स्क्वायर, इसको सपोजिट हमने मान लिया टू, तो टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आया, वन प्लस वन प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, ये मैच कर गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा x हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है, y भी प्लस 1 या माइनस 1 हो सकता है, और z भी प्लस 1 या माइनस 2 या प्लस 2 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम अब बाकी में इसको वैल्यूज़ को पुट रख करके देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 8 हमें दिया गया, और एक आइडेंटिटी दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो अगर हमने z को 2 मान लिया सपोज दैट, और इसको माइनस 1 मान लें, इसको प्लस 1 मान लें, तो ये 2 आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी रख के देखते हैं, माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरा माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल रहा है x जो होगा वो हमारा माइनस 1 होगा, y जो होगा वो प्लस 1 होगा, z होगा वो हमारा प्लस 2 होगा। मतलब इसमें इंटरचेंज हो सकता है, ज़रूर नहीं कि मतलब यही वैल्यू हो, लेकिन हमें तो एक वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4। ठीक है, तो ये माइनस 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, 1 प्लस 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा आंसर 18। ठीक है, ओके।